हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पेशन चैनल में। देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता ये नाश्ता और सबसे स्टफिंग है इसके अंदर। फ्रेंड्स आपको देखकर ही मुंह में पानी आ गया। फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैंने स्पेशल शेयर किया क्योंकि बारिश का मौसम है, सभी को ऐसे ही नाश्ता पसंद आते हैं। बारिश के मौसम में मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। तो फ्रेंड्स जो स्नैक्स लवर हैं, जो समोसा लवर हैं, उनके लिए स्पेशल मैंने ये शेयर किया है, आप ट्राई ज़रूर करना और अच्छी लगे तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स बनाकर ट्राई करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक भी करना। और मेरे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। और आपको तोड़ कर दिखा दूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर स्टफिंग है। मैंने इसमें वेजिटेबल भी ऐड किया है, आप ट्राई ज़रूर करना। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के फ्रेंड्स मैंने हाफ पत्ता गोभी लिया है, उसे कद्दूकस करके लिया है। आप कोई भी इसमें सैलड सब्जियाँ डाल सकते हैं और भी हेल्दी वर्जन हो जाएगा। एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, उसे भी मैंने फाइन चॉप करके लिया है। आप कोई भी सैलड सब्जी ऐड कर लेंगे, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। और समोसा हो तो आलू तो होने चाहिए, तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिया है बॉयल करके, उन्हें भी मैश करके लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे भी फाइन चॉप करके लिया है। एक छोटे साइज़ का गाजर, उसे भी कद्दूकस करके लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला चटपटा फ्लेवर के लिए, आप लेमन जूस या ड्राई मैंगो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। 2 हरी मिर्च बाइट्स में कट किए, ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा भारी कटवारा धनिया, ये मेरे पास चीज़ बचा हुआ था फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, बट आप डालना चाहे तो आप भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। 1/2 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, तीखा अपने अकॉर्डिंग ही रखें, 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। फ्रेंड्स आप इसकी जगह मैगी मसाला, सांभर मसाला, किसी भी सब्जी मसाले का यूज कर सकते हैं। स्नैक्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। 1/2 कप मैंने छान कर मैदा लिया है, इससे हम घोल बनाएंगे। फ्रेंड्स उसी कप से मैंने मेजर करके ये 3 कप छान कर मैदा लिया है, इससे हम सीड्स बनाएंगे। फ्रेंड्स आप बिल्कुल हेल्दी वर्जन बनाना चाहें तो आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है मोयन के लिए, आप घी का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अजवाइन को क्रश करके डालेंगे जिससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। 1/2 टी स्पून नमक जिससे सीड्स हमारी फीकी ना लगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल को डाल दूंगी और इसको हम अब मसल मसल कर मोयन करेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको मोयन नहीं डालने की ज़रूरत है, बस इतना कि देखिए ये बाइंड हो रहा है तो परफेक्ट है। इससे हमारी सीड सॉफ्ट बनेंगी जब हम बनाएंगे, और जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही खस्ता होगा हमारा समोसा, इसलिए इसमें मोयन का यूज़ किया है। जब सीड्स होंगी तो सॉफ्ट बनेंगी और फ्राई करेंगे तो खस्ता बनेंगे। देखिए मैंने डो लगा लिया, आपको बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना, सेमी डो लगाना है जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं, आपको ऐसा ही लगाना है। और इस पर थोड़ा सा हम ऑयल ऊपर से लगा देंगे जिससे पपड़ी ना आए, और कवर करके ही इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे सेट हो जाए। और हम आगे का प्रोसेस इतने आपको दिखाते हैं। ये आप सबसे पहले मैदा में 1/4 टीस्पून नमक को डाल दूंगी, 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, और 1/2 कप ही मैंने पानी लिया है, बट थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी, एक साथ नहीं ऐड करूंगी। और इसका हम घोल बना लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स, हमें सेमी ही रखनी है इसकी थिकनेस, बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब उसको साइड में रख देंगे। अब पत्ता गोभी में गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मैश किया हुआ आलू, पाव भाजी मसाला, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, तीखी लाल मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, गरम मसाला, हींग और जीरा, कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितनी झटपट बनने वाली स्टफिंग भी है इसकी। आपको इसका आलू मसाला बनाने के लिए आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं कि आप इसको भून कर बनाएं, और इसी में हम चीज़ को ऐसे तोड़कर डाल देंगे। और फ्रेंड्स इसमें हम अभी नमक को नहीं ऐड करेंगे जिससे जो सब्जियों से मॉइस्चर रिलीज ना हो, जब हम स्टफ करेंगे तभी नमक को ऐड करेंगे। अभी ऐड कर देंगे तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा सब्जियों से। हम डो को मसल कर दोबारा से सॉफ्ट कर लेंगे
और देखिए मैंने जिसे रेगुलर हम रोटी बनाते हैं तो उतनी बड़ी बड़ी मैंने इसके लोइयाँ बना ली हैं। अब इसको मैदे से डस करके पतला पतला हम बेल लेंगे रोटी जैसा। ये देखिए इसकी थिकनेस, ऐसे ही पतला आपको बेलना है। अब गैस पर मैंने तवा को रख दिया है गर्म होने के लिए और हम थाली पे ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। उस पर ही मैंने डाला जिससे वो चिपके नहीं। और फिर से आप आयरन का तवा भी लें तो थोड़ा भारी लें। और देखिए तवा के गर्म होते ही मैंने गैस फ्लेम को हाई रखा है, इस पर मैंने डाल दिया है सीड्स को और ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे जिससे बराबर से सीखे। ये देखिए बहुत ही लाइट आपको सेकना है। फिर जिस थाली या ट्रे में आप डाले, देखिए मैंने डस्ट किया था, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ग्रीस के लिए बोला था। अब जिससे वो चिपके नहीं आप सीड्स बेल कर डालें और कैसरोल में ही रखते जाएंगे जिससे ये सीड्स हमारी सॉफ्ट रहेंगी। और फ्रेंड्स आप इस सीड्स को बनाकर ऐसे ही कैसरोल में करके आप फ्रिज में रख सकते हैं एक हफ्ते के लिए। ये देखिए मैंने सारे बनाकर रेडी कर ली हैं और एक सीड को हम ले लेंगे और आपको कट करके दिखाते हैं कि आपको कैसे कट करना है। आप कट लगाकर भी रख सकते हैं या डायरेक्ट पूरा सीड्स ऐसे ही रख सकते हैं। आप कैसरोल में नहीं रखना चाहते तो किसी कॉटन कपड़े में लपेट कर इसको रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए मैंने फोल्ड इसलिए दिखा जिससे आपका इक्वल साइज ही कट हो, छोटा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ईजी प्रोसेस करने के लिए बताया कि आप इजी तरीके से इसको कर सकें। ये देखिए मैंने सारे कट लगा लिए हैं और हमने जो ये गोल बनाया था अब इसको हम उस पर अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स पहले सबसे पहले हम स्टफिंग में नमक को डालकर मिक्स कर लेंगे और इस गोल को हम ऐसे लगा देंगे। आप फिंगर से या किसी ब्रश से भी इसको लगा सकते हैं। और देखिए जो कोना है आपको वहाँ से इसको ऐसे कोने शेप से ही आपको फोल्ड करना है और ऊपर के जो तो दो कोने हैं उनको मिला देना है ऐसे। और आपको अंदर साइड एक अपना फिंगर रखना है। ये देखिए यहाँ पे भी हम स्टिच कर देंगे, ऐसे चिपका देंगे। और देखिए अंदर आपको एक फिंगर रखना है और ऊपर से आपको प्रेस करना है ऐसे ही। ये देखिए बहुत ही झटपट बन जाता है ये कोन, ये देखिए। अब इसके अंदर हम स्टफिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स आप ऐसे स्टफ करके भी किसी ढक्कन वाले टिफ़िन बॉक्स में आप इसको रख सकते हैं एक से दो दिन, ऐसे भी बनाकर आप इसको, या बच्चों को आपको टिफ़िन बॉक्स में भी देना तो आप नाइट में प्रिपेयर कर लें, मॉर्निंग में इसको फ्राई करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स पूरी पराठे से कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस और हेल्दी ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स आप बहुत हेल्दी बनाना चाहते हो आप मैदे की जगह आटे का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसमें मैंने वेजेस और आलू का यूज़ किया है तो ये तो सभी खाते हैं रेगुलर। ये देखिए हम ऐसा आपको दूसरा बनाकर दिखा देते हैं। और ऐसे आलू या सब्जियों का किसी का भी आप स्टफिंग कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आलू स्टफ कोन समोसा की रेसिपी भी अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं बनाकर ट्राई करना या आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है समोसे का। और फ्रेंड्स और भी बहुत सारे डिलीशियस और ऑसम से स्नैक्स रेसिपी अपलोड हैं, हेल्दी नाश्ता रेसिपी भी अपलोड है। देखिए मैंने इतने सारे बनाकर रेडी कर लिए। और फ्रेंड्स आप क्या नाम देना चाहते हैं हमें बताइएगा। आप ऐसे ही इनको किसी भी ढक्कन वाले टिफ़िन में करके रख सकते हैं एक से दो दिन ऐसे भी, और सीड्स को आप एक हफ्ते स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप अब हम आपको फ्राई करके इनको दिखाते हैं कि फ्राई आपको कैसे करना है। मैंने गैस को ऑन कर लिया, गैस फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, मैंने कढ़ाई रख ली है उसमें रिफाइंड ऑयल को डाल दिया और बिल्कुल लो टेम्परेचर ऑयल चाहिए आपको। और जो हमने गोल बनाया था उसमें सबसे पहले हम डिप करेंगे इसको, ये देखिए, और एक एक करके डालेंगे। फिर से आप एक कढ़ाई या पैन में जितने आए आप एक बार में उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा ओवर ना डालें जिससे आपको फ्राई करने में आसानी हो। ये देखिए मैंने भी इतने ही डाले हैं और इनको लो फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना जिससे बहुत ही खस्ता बनेंगे। आपको गैस को पूरे प्रोसेस में लो टू मीडियम या हाई टू मीडियम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लो ही रखना है। और थोड़ी देर इनको एक साइड फ्राई होने पे या फोक या स्पून से इनको दूसरे साइड तभी पलटें, और थोड़ी थोड़ी देर पर फिर इनको उलटते पलटते रहें जिससे हर साइड से अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए अब इनको हम दूसरी साइड पलट देंगे, थोड़ी देर इनको फ्राई होते हुए हो गया है। फिर से बहुत ही खाने में डिलीशियस लगते हैं। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इनको हम
सर में इनका स्टॉयल निकाल देंगे करके और इनको टिश्यू पर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप इनको बनाकर देंगे तो बच्चों को बड़ों को किसी को भी सर्व करेंगे, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और दूसरा बैच आप जब फ्राई करें तो ऑयल को टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाने दें तभी डालें। और देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी होममेड चटनी के साथ या चाय के साथ, फिर से एक गर्मा गर्म चाय हो और बारिश का मौसम हो और ऐसा ऑसम सा नाश्ता हो तो फ्रेंड्स दिन ही बन जाएगा। तो आप ट्राई ज़रूर करना, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इंजॉय कर पाएँ इस मानसून में इस रेसिपी को बनाकर। और फ्रेंड्स प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये समोसा रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर न्यू हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू फैमिली।